सत श्री अकाल जी सारू, मैं सुमनप्रीत कौर से स्वागत करती हूँ। मैं तो अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर से अज की इस वीडियो के असी शुरू किए हुए टाइम एंड वर्क वाले सवाल उसी कंटिन्यू करा। हाँ जी, जेकर वीडियो चंकी लगे तो प्लीज़ लाइक तो शेयर जरूर कर देना। जोड़े स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्होंने मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल सबसक्राइब करो, लाइक करो और व् तो वेयर करो, नाल ही नाल बैल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताजो मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानू मिलती रहे। नैक्सट क्वेश्चन है मेरे को, इफ पी एंड क्यू कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, जे पी ते क्यू दोनों मिल के एक काम नू 12 दिन दे विच करदे आ, क्यू अते आर उही काम नू 15 दिन दे विच करदे आ, आर अते पी दोनों मिल के उही काम नू 12 दिन दे विच सॉरी 20 दिन दे विच करदे आ, दैन पी इकला मतलब पी इकला किन्ने दिन काम जरा खत्म करूगा। ठीक है जी, सब तो पहला फस्ट स्टैप आ साडा, जे सानू कंबाइन दिते आ तो असी बिच प्लस का साइन पा के दोनों का एक दिन का वर्क कढ लैने, जे सानू कंबाइन नहीं दिते गए कल कल दिते आ तो असी कल का एक दिन का वर्क कढ लैने। हाँ जी, हुण सानू दिते हुए कंबाइन मतलब पी एंड क्यू टूगैदर, तो इतने मैं लिखी लिखूंगी पी प्लस क्यूज वन डे वर्क। हाँ जी, ये वन डे वर्क कि आजगा 1/12। सेम इदा ही मेरे को क्यू प्लस आर दिता हुआ वा, क्यू प्लस आर वन डे वर्क 1/15 आजगा। सेम इदा ही मेरे को आर प्लस पी दिता हुआ वा, ये किन्ने दिन दिते हुए, मैं अपने को कुछ भी नहीं लिया, जो स्टेटमेंट के गिवन उ चुकिया वा 1/20। हाँ जी, हुण देखो मैं कढ़ना कल्ले पी दा वा, पर गिवन सानू इन्ना कुछ आ, मतलब इहदा किते ना किते तो यूज होना ही आ। सब तो पहले मैं की करदी इन्हां तिन्नां नू ऐड कर दिंदी आ, जो मैं इन्हां तिन्नां नू प्लस करूँगी दो वेरी तो मेरे को पी आजूगा, दो वेरी वही क्यू आजूगा तो दो वेरी वही आर आजूगा। ठीक है जी, तो मैं इत्थे इत्थे इदा लिख लैंदी हाँ पी प्लस क्यू प्लस आर वन डे वर्क, इत्थे किन्ना आजूगा 1/12 1/15 प्लस 1/20। हाँ जी, इधर देखो जो 12, 15 ते 20 का मैं एलसीएम लूँगी तो ही मेरे को 60 बन जाना। हुण देखो इतने 60 बनाने लिए मैनू उत्ते हेठा किन्ने मल्टीप्लाई करना पैना 5 नाल, सेम इदा ही इतने 4 नाल, सेम इदा इतने 3 नाल, 5, 4, 9, 3, 12 तो मेरे को किन्ना बन जूगा इतने 12/60, 12 × 5 = 60 होंगे तो 1/5 आ जाना, मतलब दो मेरे नाल हुण ये भी पिया वा, इधर यह की कर रहा वा मल्टीप्लाई हो रहा वा, तो उधर जाके की हो जूगा गुणा हो जूगा पी प्लस क्यू प्लस आर, यदा जिहड़ा वन डे का वर्क आ वह मेरे को किन्ना आजूगा 1/5 × 2 मतलब 10, मतलब इन तिना का जोड़ा वन डे का वर्क आ वो मेरे को किन्ना आजूगा 1/10 आजूगा। हाँ जी, हुण देखो कढ़ना की आ, कल्ले पी का कढ़ना वा, पर मेरे को पी क्यू आर आया वा। ठीक है, हाँ जी, इतने मेरे को आया पी क्यू प्लस आर, मतलब इन्ह तिना ने जो कंबाइन तिनों ने इकट्ठे हो के काम किया तो इन्हों 10 दिन लगे आ काम करन। ठीक है, पर कढ़ना मैं कि कल्ले पी का कढ़ना वा कि कल्ले पी नू किन्ने दिन लगनगे। हुण देखो इतने तो पिया पी दे नाल क्यू तैयार, क्यू तैयार होर कितने पिया मेरे को आ वाली चीज सैकेंड इक्वेशन दे विच पिया वा, इहदा मतलब जदों मैं इहदे विचों पी प्लस क्यू माइनस कर दूंगी, पी प्लस क्यू प्लस आर इतने मैं माइनस करूँगी तो क्यू माइनस हो जूगा, नाल ही नाल इतने भी माइनस बन जूगा, आर भी माइनस हो जूगा। ठीक है जी, मतलब क्यू नाल क्यू कट आर नाल आर कट रह के कल्ला जाना मेरे को पी वाला, पर मैं माइनस ये चो कर रही हूँ मतलब 1/10 चो कर रही हूँ तो इतने मैं इदा ही लिख दूंगी माइनस 1/10। ठीक है जी, इस गल का तुसी ध्यान रखना, जेडे नोट्स बना रहे हैं नाल दी नाल उन्हां नू क्लीयर करना आप ही। हाँ जी, हुण देखो मेरे को 10 ते 15 का जे मैं एलसीएम लेना होवे तो किन्ना होगा 30, तो इतने मैं फिर कि बना पैना इतने 3 इतने 2 मतलब 1/30, मतलब जे पी ने कल ने काम करना हो किन्ने दिन लगन गए उन्होंने 30 दिन लगन गए, यदा मतलब की हो गया पीज
वन डे वर्क इज इक्वल टू वन अपॉन थर्टी। जे वो एक दिन तो वह एक वटा ते है जोड़ा काम कर रहे वह तो उन्होंने किन्ने दिन लगन गए टोटल रेसीप्रोकली कर दें हमने असं काम का काम तो वर्क एक जो दूजे के ओपोजिट आ मतलब प्लीज कैन डू कंप्लीट अ वर्क 30 डेज। ओके नैक्सट समा मेरे को पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज क्यू इन 15 डेज दे वर्क टूगैदर फॉर 5 डेज द रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश वाई आर इफ डे गैट रूपीज 1920 फोर द होल वर्क हाउ शुड द डिवाइड द मनी एंड वट आर देयर डेली वेजिस। हाँ जी उन्होंने कहा कि जे पी एक काम नू 10 दिन दे विच करदा तो क्यों उसे काम नू 15 दिन दे विच करदा वा उस तो बाद दोनों मिलके 5 दिन दे विच एक काम करनगे तो जेड़ा काम रह जूगा जो भी आर वापस आऊगा काम ते तब रिया काम वह करूगा। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने तिना दे विच आ वाले जेड़े पैसे आ मनी आ वह वंडनी आ ठीक है जी शेयर करनी है तिना ने आपस दे विच। सब तो पहला देखो पीज असी वन डे वर्क निकाल लाँगे पी का एक दिन का काम कि आजगा पी का 1/10 पर नाल ही सानू इत्थे उन्हें क्या की क्या हो वर्क टूगैदर फॉर 5 डेज तो जो तो दोनों मिल के काम करेंगे 5 दिन का वर्क भी असी कढ़ना वा तो मैं नाल ही इत्थे ही कढ़ लैनी आ पहले ही जे मैनू 1 डे का पता वा तो प्लीज 5 डे वर्क किन्ना होगा 5 नाल मल्टीप्लाई होगा 5/10 यानी कि 1/2। सेम इदा ही क्यूज वन डे का वर्क किन्ना वा क्यू का 1/15 तो इतने कि आजगा 1/3 क्योंकि एक दिन का तो मैं पता सी मैं 5 दिन का भी कढ़ लिया हूँ उन्हें क्या जो तो 5 दिन दोनों मिल के इकट्ठा काम करे ये सू इस लाइन के दिता हुआ वा ता करके मैं इतने लिखिया पी प्लस क्यूज 5 डे वर्क जोड़ा 5 दिन का उन्होंने वर्क वह कि होगा 1/2 प्लस 1/3। हाँ जी 2 ते 3 का एलसीएम तो 6 ही होगा तो इतने कि आजगा मेरे को 5/6। हूँ उन्होंने की कहा कि भी जोड़ा ही मिल के काम कर लगे उस जोड़ा काम रह जूगा वह आर करूँगा मतलब आज 1 डे वर्क आर का एक दिन का काम कितना आ जूगा 1-1/5/6 ठीक है 6-5/6 मतलब 1/6 जिहड़ा आर दा वा वह कि आ गया वर्क 1/6 ये असी सीगे कढ़ले सारयां दे कल्ले कल्ले हुण तुसीं इहनूं कापी ते नोट कर लेना मैं रफ करन लगी हाँ। इत्थों की आजू कि इन्हां दी रेशो कढ़ लैने आपां वी जिहड़े इन्हां दे विच शेयर कीते आ रेशोज ऑफ देयर शेयर्स। देखो पी दी रेस कि रेशो किन्नी आई सी पहला असी 5 डे दे अकॉर्डिंग चल रहे हैं 5 डे दे अकॉर्डिंग किन्नी सी 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6। हुण देखो मैं डिनोमीनेटर इन्हां दा खत्म करना चाहुंदी हाँ मतलब ये मैं मेरे को सिर्फ इक्को ही डिवाइड वाली टर्म ना हो मतलब रैशनल नंबर वाली ना हो इनू कोई रियल दे नंबर दे विच जां नैचुरल नंबर विच ही होवे तो इनू मैं की करूँगी पहला देखो 2, 3 ते 6 का एलसीएम कितना होगा 6 ही होगा तो मैं इतने 6 बना लूँगी 6 बनाने मैंने ये कि उत्ते मल्टीप्लाई करने पैना 3 नाल
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ 6-6 ਕੋਮਨ ਨਿਕਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਇੰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਨੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਪੀ ਦੀ, 3/6 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਮਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ, 1920 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ 320 ਆਜੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਜੂਗਾ 960 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ 960 ਰੁਪਏ ਆਏ ਕਿਹਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਪੀ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਊ ਦੀ ਹੈਗੀ ਰੇਸ਼ੋ 2/6, 1920। 6 ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ 320 ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 640 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਰ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਆਰ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਜੋੜੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, 1600 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1600 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ 1920 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਦੂੰਗੀ, 1600 ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 320। ਹੁਣ ਓਬੀਅਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।